राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। मोहाली में वोट डालते हुए पोलिंग बूथ पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को आप देख रहे हैं। पिछले दिनों राघव चड्ढा खुद सुर्खियों में रहे कि आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं तो राघव चड्ढा कहाँ हैं। तो जानकारी सामने आई कि राघव चड्ढा आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश गए हुए हैं। इसके बाद आंखों का इलाज कराने के बाद जब विदेश से वापस लौटे राघव चड्ढा, तो ये काला चश्मा जो आप देख रहे हैं उनके हाथ में अभी था, लगातार यही काला चश्मा लगाए हुए नजर आए हैं। आज एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर पहली बार इतनी देर तक बिना काले चश्मे के नजर आ रहे हैं राघव चड्ढा। वोट डाल दिया है और इस पोलिंग बूथ पर फर्स्ट वोटर बने हैं, इसीलिए शायद ये सर्टिफिकेट जो राघव चड्ढा को दिया गया है। इसी तरीके का सर्टिफिकेट आपको याद होगा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट डाला था, वो भी अपने पोलिंग बूथ पर फर्स्ट वोटर बने थे और उनको भी ऐसा ही सर्टिफिकेट मिला था। तो राघव चड्ढा ने वोट डाल दिया है, वोट डालने के बाद वो सर्टिफिकेट पोलिंग बूथ पर उनको दिया गया है सम्मान के तौर पर, क्योंकि वो उस पोलिंग बूथ पर फर्स्ट वोटर बने हैं वोट डालने वाले। और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे डेटा सेंटर से। इस वक्त हमारे साथ स्नेहलता मौजूद है बड़ी बातों को लेकर इस सेवेंथ फेज की। स्नेहा बिल्कुल रोमाना, देखिए आखिरी चरण का ये रण कितना इंपॉर्टेंट है। जरा बुलेट पॉइंट के तौर पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स हम रखेंगे जिससे आप समझ पाएंगे। 8 राज्यों की और 1 यूनियन टेरिटरी की सीट पर मतदान की आज तस्वीर लगातार आएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 चरणों की लोकसभा की बात करें तो ये आखिरी चरण का रण है जिसमें दिग्गज मैदान में है। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि यूपी पंजाब की सबसे ज्यादा 13-13 सीटें दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि पिछली बार अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए की 57 में से कितनी सीटें सामने आई, ये भी हम आपको दिखाते और बताते चल रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस 57 में से 8 सीटों पर जीती है और ये वो डेटा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। 10 करोड़ वोटर थे जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि 8 के सबसे दिग्गज कैंडिडेट की बात करें तो वो मैदान में है। अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत अपनी सीट पर, उनकी भी वोटिंग अगर देखा साख दांव पर लगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की बात कर लें और इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा की 42 सीटों पर भी मतदान होना है। तो ये है वो आंकड़े जो इस चुनाव के शुरू होने के साथ साथ आपके सामने रखे गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।